नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8 हिंदी द्वितीय सत्र में इकाई 5वीं है, दोहे। इस इकाई में श्री कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे हैं। आइए सबसे पहले इन महान व्यक्तियों का थोड़ा परिचय ले लेते हैं और उसके बाद दोहे पढ़ेंगे और दोहे के अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले परिचय करते हैं संत कबीर के साथ। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार बाह्याडंबर के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। कबीर की तरह रहीम भी बड़े अनुभवी कवि थे। उनके दोहों में जीवन की मूल बातों का निचोड़ है। इनके बारे में इतना जानिए। रहीम, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहों में देखने को मिलता है। कबीर और रहीम की तरह तुलसी भी संत कवि थे। उनके दोहों में जीवन की सही बातों को उजागर करने का प्रयास देखने को मिलता है। तुलसीदास 16वीं शताब्दी में राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। इनके दोहों में जीवन मूल्यों का भंडार है। आइए एक एक दोहे को पढ़ते हैं और हर एक दोहे का भावार्थ समझते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मतलब साईं, मुझे इतना ही धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का लालन पालन हो सके, मैं कभी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई भी साधु माने कोई भी व्यक्ति भूखा न जाए। यहाँ कबीर जी ने लोभी मनुष्यों पर कटाक्ष किया है। हमें उतना ही धन चाहिए जिससे हमारा जीवन शांति से निर्वाह हो सके। समर्थ संत वेदव्यास जी ने भी कहा है, हमें अगले 3 दिनों की ही चिंता करनी चाहिए। 3 दिनों का ही अन्न और धन संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि
अगर हम ज़्यादा धन और अन्न संग्रह करेंगे तो हम काम करना छोड़ देंगे। अगर हम 3 ही दिन की चिंता करेंगे तो 4थे दिन क्या होगा उस चिंता में हम अभी से काम करने लगेंगे। वेदव्यास जी ने 3 दिनों का कहा है, वह अभी इस जमाने में 1 साल का हो चुका है। हमें अगले 1 साल तक चले उतना ही धन और अन्न संग्रहित करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, जो बिना सोचे समझे काम करता है वो बाद में पछताता है। वह व्यक्ति खुद का काम बिगाड़ता है, साथ ही साथ दुनिया में हंसी का पात्र भी बन जाता है, अर्थात लोग उस पर हंसते हैं। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। यहां पे कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में अर्थात सबके सामने खड़ा हूं, दुनिया में खड़ा हूं, और भगवान से सबकी कुशलता खैर चाहता हूं। दुनिया के सभी लोग सकुशल रहे, सुखी रहे, अच्छे रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। मैं किसी से न तो दोस्ती करता हूं और न किसी से दुश्मनी करता हूं। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी का दोहा है यह, जहां पे रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, अर्थात जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने वाला मनुष्य जीवित होकर भी मृत है, लेकिन उससे पहले वे मनुष्य मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। यहाँ पे रहीम जी ने दान का महत्व समझाया है। हमारे समाज में दान का बहुत महत्व है, आज भी है, और हमें हमारी शक्ति के अनुसार दान करते रहना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीम जी उदाहरण देकर कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों के संग का असर नहीं हो सकता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष में विष नहीं फैलता, उसी तरह उत्तम प्रकृति माने उत्तम स्वभाव के लोगों पर कभी भी कुसंग का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते, अपने बारे में कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जिस प्रकार हीरा नहीं कहता कि मेरी कीमत लाख रुपए है, उसी तरह जो बड़े लोग हैं वो खुद की प्रशंसा कभी नहीं करते। आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए
जहाँ किसी के आने से हृदय में आनंद न हो, आँखों में प्रेम स्नेह न हो, भले ही वहाँ सोने की बारिश हो रही हो, लेकिन हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों के घर जाने से उनको आनंद मिलता है, हमको देख के उनकी आँखों में स्नेह उमड़ता है, ऐसे घरों में जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। यहाँ तुलसीदास जी जीवन में परिश्रम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जीवन में परिश्रम और सच्ची मेहनत के बिना किसी भी विद्या को पाना असंभव है। जिस प्रकार हाथ से हिलाए बिना पंखा भी हवा नहीं देता, उसी तरह विद्या माने शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना, परिश्रम के बिना जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। शुरू करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, दोहे का भावपूर्ण गान कीजिए, जो कि हमने हर एक दोहा गा लिया है और उसका अर्थ भी समझ लिया है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उद्यम माने परिश्रम। उद्यम से ही सफलता मिलती है। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। लोगों की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। खैर कुशलता। मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। कुसंग बुरी संगत। हमें बुरी संगत से बचना चाहिए। कंचन माने सोना। मेरा बेटा तो कंचन है। जप माला जाप करने की माला। यह मेरे दादाजी की जप माला है। प्रकृति स्वभाव। लोगों की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। दुख गम खेद। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है। भुजंग का मतलब है सांप। इस पेड़ के बाद पास एक भुजंग रहता है। हर्षई का अर्थ है खुशी। तुमको देखकर मैं हर्षई हुआ। अभ्यास का प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिख सकते हैं गृह कार्य में, फिर भी हम इन प्रश्नों के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला प्रश्न है, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हो। अगर मैं दूंगा तो मैं क्या चाहता हूँ वो मैं बता सकता हूँ, आप क्या चाहते हो वो आप ही बता सकते हो। दूसरा प्रश्न है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? जब कोई अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो सबसे पहले तो हमारी सोच अच्छी हो जाती है। सोच अच्छी होने से हमारे कार्य अच्छे हो सकते हैं। कार्य अच्छे होने से हमारा नाम बहुत ऊपर जा सकता है। अच्छे व्यक्ति की संगति करने से हम हमारे दुर्गुणों का नाश कर सकते हैं। अच्छा व्यक्ति हर हमेशा हमारी मदद के लिए तत्पर रहता है और हमें
बुराई के रास्ते जाने से रोकता है। तीसरा प्रश्न है, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? धर्म के नाम पर आज बहुत सारे लोग आडंबर करते हैं। आज वैसे देखा जाए तो यह कह पाना मुश्किल हो गया है कि यह सच्चा धर्मी आदमी है या हमको गलत रास्ता दिखाने वाला आदमी है। धर्म के नाम पर बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं। धर्म के नाम पर ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। धर्म के लिए ही लोग आज युद्ध पे उतर आए हैं। बहुत सारे ऐसे आडंबर है जो धर्म के नाम पर हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? लोग बहुत सारे कारणों से भीख मांगते हैं। हम कुछ कारण यहाँ पे लिखते हैं, समझते हैं। कुछ लोग अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज होने के कारण कुछ काम नहीं कर सकते और पेट भरने के लिए भीख मांगने का काम करते हैं। कुछ लोग अपने नशे को पूरा करने के लिए नशे के कारण भीख मांगते हैं। कुछ लोग मेहनत से बचने के लिए भीख मांगने का काम करने लगते हैं। कुछ लोग बच्चों का अपहरण करके उन्हें अपाहिज बना के उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे प्रभावित होके लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, उसमें कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर भगवान से अपने परिवार का शांति से पालन कर सके उतना ही अन्न और धन मांगते हैं। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और उनके घर से कोई भूखा ना जाए उतना कबीर जी मांगते हैं। प्रश्न दूसरा है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे कार्य करने से काम बिगड़ जाता है। काम बिगड़ने से नुकसान भी होता है और साथ में पछतावा भी होता है। लोग बात बात में हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं। तीसरा प्रश्न, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम बड़े लोगों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते, अपने बारे में कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जिस प्रकार हीरा चाहे कितना भी मूल्यवान हो वह अपनी कीमत नहीं बताता, उसी प्रकार बड़े लोग खुद की प्रशंसा नहीं करते। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसीदास जी उन लोगों के घर नहीं जाना चाहते जिनके हृदय में दूसरे के लिए प्रेम नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कि किसी के घर जाने से हमें देखकर उनके हृदय में आनंद और आंखों में प्रेम दिखने को ना मिले, वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे घर में अगर सोने की बारिश हो रही हो फिर भी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, इस इकाई के दोहों में आप कौन कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? हम दोहे देखते जाएंगे और कौन कौन से सद्गुण हमें मिल सकते हैं वो समझते जाएंगे। कबीर जी का पहला दोहा है, उसमें कबीर जी ने जो कहा है उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें उतना ही मांगना चाहिए ईश्वर से जिससे हमारे परिवार का पालन हो सके और हमारे घर से कोई भूखा ना जाए।
दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, वरना हम हंसी के पात्र बन सकते हैं। तीसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि सबकी खैर मांगो, माने दुनिया में सब खुश रहे ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आते हैं रहीम जी के दोहे की ओर। रहीम जी पहले दोहे में जो कहते हैं वो दान का महिमा है, हमें अपनी शक्ति के अनुसार दान देते रहना चाहिए। दान देने से संपत्ति बढ़ती है। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो सद्गुणों वाला आदमी है उसे कोई बदल नहीं सकता। हमारे अंदर जितने सद्गुण हैं उन सद्गुणों को कोई खराब नहीं कर सकता है। तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमारे खुद के बारे में दूसरे लोग बोले वही अच्छा लगता है और दूसरे लोग भी अच्छा बोले वही सही है। तुलसी जी के दोहे देखे तो पहले दोहे में तुलसी जी कहते हैं जिस लोगों को आपके आने से खुशी नहीं होती उन लोगों के घर हमें नहीं जाना चाहिए। और दूसरे दोहे में तुलसी जी कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना परिश्रम के हम नहीं कर सकते, जैसे पंखा अगर हिले तो ही वो हवा देता है, उसी तरह परिश्रम के बिना हमें कुछ भी नहीं मिलता। स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं यह उत्तर है, ऐसी पहेली बनानी है जिसका जवाब तोता आए, दूसरी पहेली ऐसी बनानी है जिसका जवाब पतंग आए, और तीसरी पहेली ऐसी बनानी है जिसका जवाब चिड़िया आए। हम यहाँ पे एक पहेली बनाते हैं जिसका उत्तर है तोता। कुछ इस प्रकार हम पहेली बना सकते हैं, हरा भरा है रंग मेरा, बोलूं एक एक शब्द तेरा, मिर्ची को मैं खाऊं, पेड़ पर ही सो जाऊं। उत्तर है तोता।